गाइस क्या हाल है आप सबके और सब खैरियत से हैं? ठीक है, तो आज हम इस रिव्यू को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बाइक का नेम बता देता हूँ, मॉडल, ब्रेक, मेक, वेरिएंट वगैरह बता देता हूँ ताकि आपको इससे आसानी हो जाए। और इससे सबसे पहले जो इसकी सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड जो चीज़ है वो यही है कि इसकी बॉडी लुक्स है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये है सुजुकी की GSX 125। ये बेसिकली सुजुकी ने 2022 के एंड नवंबर में लॉन्च की थी। ठीक है, तो उसके बाद इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है। उसके बाद इसके प्राइसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ तो सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था 3,65,000 में, लेकिन उसके बाद आपको पता है जिस तरह से डॉलर की फ्लक्चुएशंस हुई थी और उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो इसकी इस टाइम करंट जो प्राइस है वो है 4,88,000 रुपीज़। तो आप जाके सुजुकी के जो ऑनलाइन साइट्स हैं उन पर चेक कर सकते हैं, आपको इसकी अपडेटेड प्राइस लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप इसको फर्दर बुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इसके रिम और टायर के बारे में बता सकूं तो गाइज इसका जो रिम है वो बेसिकली 18 इंच का अलॉय व्हील है और ये ट्यूबलेस टायर्स हैं और ये कैनेडा इसमें बेसिकली इसमें ना यूज़ किया गया, मतलब रबर ट्यूब है जो कि ना ट्यूबलेस टायर्स हैं। और इसके अंदर जो कैलिबर ब्रेक्स हैं आपको दिखा सकते हैं, ये डू पिस्टन कैलिबर ब्रेक्स हैं बेसिकली। और इसके साथ इसके अंदर अप्स एंड डाउन शॉक्स हैं। इसके अंदर फर्दर आपको इंडिकेटर हेड लैंप्स मिल जाएंगे। उसके साथ आपको एक डायमंड कट इसकी हेलोजन आपको लैंप डिज़ाइन का इसको क्या कहते हैं इसका हेडलाइट मिल जाएगी। फर्दर अगर इसकी रिव्यू की तरफ देख सकें इसके रिव्यू की तरफ आगे फर्दर देख सकें तो आप देख सकते हैं गाइस इसके जो ब्रेक असम्बली है वो भी बहुत प्रीमियम है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सुजुकी है वो हमेशा से एक प्रीमियम ब्रांड रहा है और वो हमेशा से जो उसकी प्राइसेस का मतलब हाई प्राइसेस का जो उसका इशू रहा है वो यही है क्योंकि वो बाइक्स इंपोर्ट करता है। ठीक है, वो असेंबल हुई भी बाइक्स इंपोर्ट करता है जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस और उसके टैक्स के बाद जो आपको डिस्बर्समेंट मिलती हैं उसके साथ आपको बाइक्स की जो प्राइसेस हैं वो तेज़ मिलती हैं। ठीक है, तो फर्दर हम इसके मीटर क्लस्टर के पास पहुँचते हैं तो मीटर क्लस्टर आप देख सकते हैं गाइस। इसका मीटर क्लस्टर बहुत ही खूबसूरत तरह से डिज़ाइन किया गया एनालॉग मीटर है। इसमें आपको क्या कहते हैं रीडिंग मीटर मिल जाएगा, ऑडोमीटर जिसे हम कहते हैं। एक इसमें आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा जिसकी 12,000 आरपीएम मैक्सिमम आपकी प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा आपको एक फ्यूल गेज मिल जाती है। अच्छा, चलते हुए इसका एक इंडिकेटर लिस्ट आती है जिसमें एक आपको न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है। उसके अलावा स्विच इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको हैजर्ड और पीपर्स लाइट मिल जाती है। फर्दर इसके अंदर आपको पता है सेल्फ स्टार्ट इसके अंदर ऑप्शन है, तो जाहिर बात है इसमें एक किक कहीं पर मौजूद नहीं है। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉन भी है कि उसमें बैकअप के लिए कोई किक प्रोवाइड नहीं की है मार्केट में, तो ये भी एक कॉन कह सकते हैं कि सुजुकी की तरफ से। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ भी ये है कि मतलब उन्होंने बैकअप बैटरी का इतना अच्छा ज़बरदस्त दिया जिसकी वजह से वो कह सकते हैं कि उन्हें किक की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी बेस टैंक है वो इतना खूबसूरत है और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर 14.5 लीटर यानी 14.2 समथिंग लीटर इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी है जो कि यह कंटेन कर सकता है, जिसके साथ आप एक अच्छा माइलेज अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि सुजुकी है वो क्लेम करता है कि ये अप टू 45 किलोमीटर पर लीटर मतलब आपको प्रोवाइड कर सकता है एवरेज। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा हम इसकी बात करें फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस की, वो ये है कि जो इसका बेस एग्जॉस्ट है वो बेसिकली इसको मैंने चेंज करवा कर इसमें एक्रापोविक का एक कस्टम एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाया है। ये आप देख सकते हैं फर्दर ये एक्रापोविक का कस्टम एग्जॉस्ट है जिसके अंदर एक अप डाउन इसकी पाइपिंग करवा कर इसमें एडिशंस करवाएंगे। तो बैक साइड पर आते हुए जब हम देखते हैं तो इसके एक शॉक्स आते हैं जो ये रिवर्स रियर शॉक्स हैं जो कि ना एडजस्टेबल हैं। इसको आप अपने तौर पर अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पिछला अलॉय है वो भी सेम 18 इंच का अलॉय है जो कि सबसे अच्छी और खुशाइन चीज़ जो है वो ये कि ट्यूबलेस टायर हैं। इसके अंदर आपको मतलब ट्यूब की कोई इशू नहीं रहता। ठीक है, बैक साइड पर आ जाते हैं तो आपको एक अच्छी सी ब्रेक लैंप मिल जाता है। ब्रेक लैंप के साथ आपको एक अच्छा सा क्या कहते हैं साइड पर ये स्टैंड्स मिल जाते हैं जिस पर आप ग्रिप स्टैंड्स कह सकते हैं। ठीक है, और एज़ यूजुअल आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है, एक बैकलाइट मिल जाती है। अबव एंड ऑल आपको एक अच्छी चीज़ भी बताते हैं कि बाइक में बॉडी लुक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं कि बाइक के कुछ या मेजर इससे मेजर जो पार्ट्स हैं वो प्लास्टिक का है। जस्ट लाइक आप ये देख सकते हैं जो इसका चेन कवर का जो ये गेज है ये भी बेसिकली प्लास्टिक की है, लेकिन क्या कह सकते हैं, खैर ये सुजुकी कंपनी है, उन्होंने अपनी तरफ से बाइक को डिज़ाइन किया। बाकी इसकी बॉडी शेप एरोडायनेमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे हैं। मैं इसको 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको तकरीबन 3 हफ्ते से मज़ीद यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 3 हफ्तों से लगातार यूज़ कर रहा हूँ और इसकी माइलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज़ ये इसका रिव्यू था और जो आपको बताते हैं कि फर्दर इसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन था। और लेफ्ट साइड पर वही है कि जो इसकी डिस्क असम्बली है, उसके अंदर आपको इसके अंदर ऑटो स्विच इंडिकेटर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। उसके साथ इसके लिए ये लाइट है, जो उसके साथ ये लाइट है, ये अपनी डिपर लाइट है, ठीक है। ये आपको डिपर लाइट मिल जाती है और ये आपको नज़र आ सकती है, ठीक है। ये डिपर लाइट है जो कि ना बाइक जैसे टर्न ओवर टेक ओवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर जिसके जो साइड मिरर्स हैं, इसके बारे में आपको बताता चलूँ, ये बेसिकली इन हाई स्पीड इन्फिनिटी कैफ रेसर के साइड मिरर्स हैं जिसको मैंने इंस्टॉल किया है इनके अंदर, और बहुत इजीली इंस्टॉल हो गए थे। तो वैसे बात वो मेरे पास एक पुराने बाइक थी तो उसके मेरे पास साइड मिरर्स रखे हुए थे, तो मैंने वही इंस्टॉल किए, तो जिसकी वजह से एक बहुत ही वाइड लुक प्रोवाइड किया गया है। ऑल ये आपके लिए एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज है। लेकिन कहना चाहता हूँ कि मतलब कुछ चीज़ अच्छी होने के बावजूद गाड़ी की प्राइस लिस्ट बहुत हाई है, लेकिन जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ना हमें ये कहना चाहिए कि आज के डॉलर के प्राइस रेट्स के हिसाब से गाड़ी बहुत महंगी है, बाइक बहुत महंगी है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कंफर्ट राइड्स में और अच्छी राइड्स में अगर आप एक लॉन्ग टर्म बाइक्स में का प्लान कर रहे हैं तो मैं ये बेस्ट ऑप्शन समझता हूँ। तो गाइस आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, आप अपने कमेंट्स में रिव्यू दे सकते हैं कि आपको ये बाइक कैसे लगी है और आप बाइक के बारे में क्या मज़ीद जानना चाहते हैं। और फर्दर इस बाइक की जो सबसे मेन चीज़ थी वो ये थी कि ये कितनी सीसी है। बेसिकली ये 125 सीसी है, यानी 125 सीसी यानी 125 सीसी ये बाइक है, और ऑलमोस्ट 124 सीसी इसमें है, ठीक। इसके अंदर डुअल स्टैंड्स हैं और उसके बाद आप इसकी मतलब गियर शिफ्टिंग की बात कर सकते हैं, तो ये बेसिकली रिवर्स गियर शिफ्ट के साथ आती है। फर्स्ट गियर फॉरवर्ड लगता है, बाकी रिवर्स फोर गियर फोर बैकवर्ड लगता है। इसका मतलब है इसके अंदर टोटल 5 गियर्स के ऑप्शन हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छा कंप्लीट राइड पैकेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात इसकी सीट की और सीट पोस्चर्स की, तो बेसिकली इसका सीट पोस्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। सीट पोस्चर बहुत अच्छा है, मैं अभी आपको इस पर बैठ कर दिखाता हूँ कि इसका सीट पोस्चर कैसा है, तो आपने वो चेक करना है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक अच्छी बाइक है और तकरीबन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक मतलब एक हैवी बाइक जैसे मॉड्यूल को मतलब रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है और अच्छा सा पैकेज बनाया गया है। और नो डाउट ये बहुत अच्छी एरोडायनेमिक्स प्रोवाइड करती है और एक अच्छी अपील और अपीलिंग फैक्टर है ये हमारे लिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक बाइक अच्छा पैकेज बनकर आती है। तो मैं सुजुकी से पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो यार इनकी चीज़ें, इनकी प्राइस थोड़ा सा स्लो डाउन करें ताकि आम बंदे की एक्सेस में ये चीज़ें आ सकें और आप मैक्सिमम लोग इसको एंजॉय कर सकें इस राइड को। फर्दर मैं आपको इसके साथ इसका ना क्या कहते हैं, इसको चेक करवा देता हूँ, इसके एग्जॉस्ट का साउंड चेक करवा देता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके, तो आप इसको देखिएगा, उसके बाद मुझे इसका रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये था इसका एग्जॉस्ट का साउंड, और इसके साथ इजाज़त चाहूँगा और मैं आपको अपने बाइक के जो पोस्टर वीडियोज़ है वो आपको इसके साथ अटैच कर दूँगा ताकि आप उसको देख सकें और उसके बाद आप आइडिया लगा सकें इसका कंफर्ट साइज़ कैसा है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ कैसे रिव्यू और कैसे कमेंट शेयर करते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ बासित अली साइनिंग ऑफ।